गाइस, अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट लवर हो एंड आप भी इस तरह की फैन टी शर्ट नेम वाली इमेज जनरेट कराना चाहते हो, वो भी हमारे फेवरेट एमएस धोनी एंड किंग कोहली के साथ, टी शर्ट पे आप अपना नेम या निक नेम डालकर इजीली आप अपने लिए इमेजेस जनरेट करा सकते हो और साथ में आप इसमें थाला और किंग कोहली का जर्सी नंबर भी डाल सकते हो। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे देखोगे तो आप इसमें एमएस धोनी या किंग कोहली का ही नहीं बल्कि किसी भी क्रिकेटर की कैरेक्टर पे फैन वाली इमेज जनरेट करा सकते हो, चाहे आप इंडिया से हो या फिर इंडिया के बाहर से। तो वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आप सिर्फ एक दो ही कैरेक्टर पे इमेज जनरेट करा सकते हो, तो इसीलिए आज के समझिंग वीडियो को विदाउट एनी सेकंड स्किप करे पूरा देखते रहना। वेल चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको AI जनरेटर को ओपन कर लेना है एंड मैं आपको बाद में बताऊंगा इसे कैसे ओपन करना है। पहले प्रॉम्प्ट एंड एडिटिंग देख लो, ठीक है। और जब भी आप इस AI जनरेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको साइन अप या लॉगिन करना जरूरी होगा, तब जाके यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालकर अपने लिए इमेज जनरेट कर पाओगे। अगर आपको साइन अप करना नहीं आ रहा है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हो। तो मेरे पास दो प्रॉम्प्ट है, तो मैं फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट करा है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वीडियो देख लो, आपको मैं बता दूंगा कहाँ से कॉपी करना। यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले तो यहाँ पे नाम को चेंज करना होगा। जहाँ पे मेरा नाम लिखा आप देख सकते हो कैपिटल में, उसे आप हटाकर आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि हमने राहुल लिखा। एंड यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे इमेज जनरेटिंग हुई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना एंड जैसे इमेज जनरेटिंग कम्प्लीट हो जाएगी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इमेजेस देखने को मिलेंगे एंड इसमें जो बेस्ट होती है उसे आपको यहाँ पे पिक करना होता है। बट बैकग्राउंड में जो नियॉन लाइट में धोनी सर लिख के आना था वो सही से नहीं आ पाई है, तो यहाँ पे मैंने अगेन क्रिएट को प्रेस करा है ताकि अच्छे से इमेज होकर आ जाए, ठीक है। एक बार करना, दो बार करना, थर्ड बार में तो आपका इमेज सही से जनरेट होकर आ जाए, क्योंकि ये इमेज जनरेटर है और हिंदी नाम को अच्छे से रीड नहीं कर पा रही, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पे हम अगेन जनरेट करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सही से यहाँ पे बैकग्राउंड पे नाम लिखा है एंड इमेज भी सही से जनरेट होके आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये इमेज सही लगती है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो एंड यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आप नाम को चेंज करके इमेज जनरेट करा सकते हो, जो आप अपनी निकनेम डालना चाहते हो यहाँ पे डाल के सिंपली क्रिएट को प्रेस करना। यहाँ पे देख सकते हो 4 इमेजेस आ जा रही है एंड अगर आपको सही नहीं लग रही है, आपका नाम सही से नहीं आ पा रही है, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो आप अगर जनरेट करना नेक्स्ट बार में आपको सही फोटो मिले, ठीक है। और देखो इसमें ऐसा नहीं है कि चारों फोटो में से चारों बेस्ट रहेगी, आपको चारों में से एक या दो पिक करना है, जो बेस्ट लगेगी आप उसे प्योर। सो जो बैकग्राउंड में धोनी सर लिखा है उसे हम हटा के दूसरा चेंज कर सकते हैं क्या, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं माही लिख के जनरेट करा के देख लेंगे, देखेंगे ना। आप देख सकते हो जो माही लिखे हमने वो से यहाँ पे इमेज, एंड अगर मैं अगेन क्रिएट को प्रेस करूंगा तो इसमें से चारों इमेज सही से जनरेट होके आ गई, ठीक है। अगर मैं क्रिएट को प्रेस करके देखते हैं तो आप देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप एमएस धोनी की फैन हो तो आप इस तरीके से जनरेट करा सकते हो एंड जो जर्सी है उसमें हमारा नाम लिखा है एंड बड़ा सा नंबर भी लिखा है, क्योंकि 7 नंबर एमएस धोनी के जर्सी का नंबर है, ठीक है। एंड अगर आप किंग कोहली के फैन हो, मतलब विराट कोहली के फैन हो, तो आपको सेकंड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है, नाम को यहाँ पे चेंज कर लेना है, आपका जो भी नाम है आप डाल के क्रिएट को प्रेस कर देना। जनरेट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो किंग कोहली वाले भी बहुत सही यहाँ पे इमेज जनरेट हो एंड जर्सी का नंबर भी देख सकते हो, जो कि विराट कोहली का 18 जर्सी नंबर है वो यहाँ पे सही भी रही। बट कभी कभी क्या होता है, मैंने प्रॉम्प्ट पे 25 ईयर एज डाल रखा है, वो जर्सी पे भी आ जाती है, मिस्टेकली वो आ जाती है। बट ऐसा नहीं कि आपको सारे इमेज पे रॉन्ग नंबर मिलेगा, अगर आपको नंबर मैटर करता है तो आप अगेन जनरेट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एमएस धोनी एंड विराट कोहली दोनों का इमेज जनरेट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स बता दिया, बट ये दोनों प्रॉम्प्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड जो मैं अभी जो इमेज जनरेट कर रहा हूँ उसका भी लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फोन ब्राउजर को ओपन करके गूगल पे आ जाना और यहाँ पे अपना एडिट लिखना एंड सर्च कर देना, ठीक है। फर्स्ट वाली साइट पे जाके इस थ्री आइकन को प्रेस करके ये फोटो एडिटिंग को प्रेस करना, देन आपको यहाँ पे ये वाली पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि आज की बताया हूँ, टी शर्ट नेम इमेजेस। तो देखो ये जरूरी कि ऊपर में वो कभी लास्ट में भी चली जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती पोस्ट तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च पे जाना, सर्च में आपको बस इतना लिखना है एमएस धोनी टी शर्ट, इतना सर्च करते ही 100% ये पोस्ट आ जाएगी। देन इस पेज को ओपन करके आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है कॉपी दिस प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद मैंने ये वाली एज जनरेटर साइट पे गया था जो कि यहाँ से आप इमेज जनरेट करा सकते। एंड सेकंड वाली प्रॉम्प्ट की बात करें जो विराट कोहली के लिए थी, वो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे विराट कोहली की इमेजेस है एंड उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर देना एंड एज जनरेटर को ओपन कर लेना एंड यहाँ पे पेस्ट करके आप इजिली इमेज जनरेट करा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप दोनों क्रिकेटर के अलावा दूसरे क्रिकेटर के फैन हो तो आप कैसे इमेज जनरेट करा सकते हो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी प्रॉम्प्ट पे ही यहाँ पे जो विराट कोहली लिखा है उसे हटाकर जस्ट फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर डालने के बाद जो बैकग्राउंड में नाम है उसे चेंज करने के लिए यहाँ पे जो किंग कोहली लिखा हुआ है उसे हटाकर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट करके देखो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉम्प्ट ब्लॉक हो जाए, शायद नेम की वजह से होगी, तो इनको हटा देते, रोहित शर्मा लिख देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐड करेंगे हिट और मेरा जो नाम लिखा है उसे रहने देते हैं, बाकी नंबर जरूर चेंज कर लेना। जैसे 18 लिखा था उसे 45, यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करा, ये जनरेट हो रही है। यहाँ पे जैसे 18 लिखा था विराट कोहली की जर्सी का नंबर, उसे मैं हटा के रोहित शर्मा का 45 ऐड करके यहाँ पे इमेज जनरेट करा है, जर्सी का नंबर भी यहाँ पे आ गई। बट अगेन यहाँ पे मैं जलेता हूँ, यहाँ पे
नाउ सेकंड ट्राई में यहाँ पे इमेज होके आ गई एंड जो इमेज आपको सही लगती है यहाँ से आप सेव कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि टूल्स आपको कहाँ से मिलेगी एंड दोनों प्रॉम्प्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैंने बता रखा है, और इसमें आप अपने किसी भी फेवरेट क्रिकेटर के साथ फैन इमेज जनरेट करा सकते हो। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड इनमें से आपको कोई से भी यही एडिटिंग अच्छी लगती है तो आप इन वीडियोस में से किसी वीडियो को टैप करके उस वीडियो पे जाकर प्रॉम्प्ट्स ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।